News 18, India. और इस वक्त की बेहद अहम खबर, आज दिल्ली कूच करने की तैयारी है किसानों की। केंद्र सरकार के साथ में एक बेहद अहम बैठक भी कल हुई, लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही। तकरीबन 5 घंटे तक के केंद्रीय मंत्रियों की यह बैठक चली है किसान संगठन के साथ में, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। लेकिन किसान नेताओं का दावा है कि वो दिल्ली कूच के अपने फैसले पर अड़ी गए और आज वो दिल्ली कूच के लिए रवाना होते भी दिखाई देंगे, और इसके लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम दिल्ली बॉर्डर पर किए गए। चंडीगढ़ में एक बेहद अहम बैठक हुई किसानों की और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की, लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही। तकरीबन 5 घंटे तक ये बैठक चली है। कई मुद्दों पर बताया गया कि सहमति भी बनी, लेकिन कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई, और इसीलिए किसान आंदोलनकारियों ने दिल्ली कूच के अपने ऐलान पर कायम रहने की बात कही है। किसान आज सुबह 10 बजे दिल्ली के लिए कूच करेंगे। किसानों का आरोप है कि सरकार उनके मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है, और ऐसे में किसानों ने अपनी मांगे मनवाने के लिए दिल्ली कूच का फैसला किया है। हम लोगों ने लंबी बातचीत की है सरकार के साथ, हर मुद्दे के ऊपर डिस्कशन हुई है। हमने सरकार का जो भाव देख लिया है, हमें नहीं लगता सरकार किसी मांग पर सिंसीरियस है, हमें नहीं लगता किसी मांग को उचित ढंग से वो पूरा करना चाहते हैं, और इसलिए तो हमने लंबा सब बातें उनसे की, हर बात पे लंबी डिस्कस की। हमारा कोशिश थी कि हम किसी किस्म का टकराव नहीं चाहते, हम चाहते थे मिल बैठकर मसले का हल हो जाए। सरकार के मन में जो मुझे लगता है एक ऐसी बात है कि उसके मन में खोट है। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पे हमारी मौजूदगी है, और यहाँ किसानों के आंदोलन को लेकर क्या तैयारियां वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरों में आप देख रहे हैं बैरिकेड जिन पर कंटीली तारे लगाई गई है। ये एक लेवल की बैरिकेडिंग जिस पर इस तरीके से पूरी कांटों को जो कंटीली तारे हैं इनको लगाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप सुरक्षा कर्मियों की तैनाती देख रहे हैं जो पूरे गेयर्स में मौजूद है किसी भी तरीके की स्थिति से निपटने के लिए। ये जो रास्ते को ब्लॉक करने के लिए ट्रॉली है, ये किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, देखिए पूरी ट्रॉली है, लोहे की बनी हुई है, आगे तक आपको टायर दिख रहे हैं। तो ये यहाँ पर इस रास्ते को ब्लॉक करने के लिए किया गया है, और इसके बाद आप देखेंगे बड़े बड़े आयरन कंटेनर्स जिनका वजन अपने आप में पैसे ही बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर फिलहाल आप हाइट को देखिए, कितने ऊंचे ये कंटेनर्स रखे गए हैं, और इनका क्योंकि ये आयरन कंटेनर्स है वैसे ही वजनदार होते हैं, लेकिन बावजूद उसके इसमें मिट्टी कंकड़ भर के इसको ये इस तरीके से किया गया है कि बिल्कुल भी इसको हिला ना पाए। और यहाँ जैसे ही आप इसके थोड़े आगे आएंगे फिर आपको कंटीली तारों के ये बैरिकेड दिखेंगे, और फिर आपको बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक, सीमेंट की बैरिकेड्स। तो यहाँ पर ज़रा आप हाइट पर ध्यान दीजिएगा, ये सीमेंट के बैरिकेड्स हैं जो नॉर्मल हाइट के होते हैं, और ये ऊंचे ऊंचे सीमेंट के बैरिकेड्स यहाँ पर लाए गए हैं जिससे इस पूरे रास्ते को ब्लॉक किया जाएगा। खास बात यह है कि पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था तो टिकरी बॉर्डर से भी हजारों की तादाद में ट्रैक्टर लेकर किसान आगे की तरफ बढ़े थे, वो ना होना पाए, इसीलिए इस बार दिल्ली की तरफ से पहले, पिछली बार की तुलना में पहले इन सारी तैयारियों को किया गया है। और कोशिश दिल्ली पुलिस की तरफ से यही की जा रही है कि किसी भी तरीके से किसान एंटर ना हो दिल्ली में। कैमरा पर्सन नकुल के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। किसान सरकार पर मांगे नहीं मानने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का कहना है कि किसानों के साथ हुई कई मुद्दों पर गंभीरता से बात। उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों पर बात नहीं बन पाई है उन पर बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाएगा। तो ये अर्जुन मुंडा ने कहा। दरअसल कल केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान संगठनों की बैठक चंडीगढ़ में 5 घंटे तक होती है, लेकिन अर्जुन मुंडा कह रहे हैं कि कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है, कुछ में नहीं बन पाई है। किसान संगठनों के साथ बातचीत बहुत गंभीरतापूर्वक हुई, और सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के माध्यम से हर किसी समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। अस्थाई समाधान के लिए एक कमेटी बनाने की आवश्यकता है, और उसमें हम अपनी सारी बातों को रखें और उसका अस्थाई समाधान ढूंढें।
अपनी मांगे मनवाने के लिए किसान एक बार फिर दिल्ली कूच करने के लिए तैयार है। सरकार ने उन्हें मनाने की खूब कोशिश की, लेकिन चंडीगढ़ में हुई 5 घंटे की मैराथन बैठक के बाद भी कई मुद्दों पर बात नहीं बन पाई, जिसके बाद किसानों ने अपना प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया। दिल्ली को कूच देखते हुए दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली बॉर्डर को पूरी तरीके से सील किया गया है। किसानों का कूच और पिछली बार की तरह इस बार तैयारियां ज्यादा पुख्ता हैं। नहीं बन पाई बात, दरअसल MSP पर गारंटी को लेकर के कानून चाहते हैं किसान, ये एक मुद्दा है। 3 ऐसे अहम बिंदु हैं जिस पर बात नहीं बनी है। वहीं किसानों के प्रदर्शन से पहले गाजीपुर बॉर्डर पर क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं आपको हम दिखाते हैं। बैरिगेटिंग आपने अमूमन इससे पहले देखी होगी, लोहे की बैरिगेटिंग हम देखते हैं, लेकिन ये जो बैरिगेटिंग आप देख रहे हैं इसे इतना पुख्ता, इतना मजबूत, इतना पक्का कर दिया गया है कि अगर जो किसान आगे की तरफ कूच करते हुए दिखाई देंगे तो वो इसको बिल्कुल भी ना लांघ पाए। अगर आप इस बॉर्डर में से बॉर्डर इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि अमूमन जो बॉर्डर होता है वो इसी तरीके का हमेशा हमने देखा है, दिखता रहा है, लेकिन ये कोई बॉर्डर नहीं है, ये बैरिगेटिंग की गई है। और वो इसीलिए की गई है क्योंकि किसी भी रूप में अगर इस आंदोलन के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश होती है तो फिर ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उस स्थिति तक पहुंचा ही ना जाए, इसकी कोशिश है। न सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि पैरा मिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर तैनात हैं। इनके अलावा यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है कि अगर किसी भी रूप में स्थिति बिगड़ती है तो आंसू गैस के गोले कैसे दागे जाएं, वाटर कैनन का कैसे इस्तेमाल किया जाए। लबो लबाव ये है कि कोई भी अगर किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा करने की कोशिश करेगा या माहौल बिगाड़ने की या किसी भी रूप में नियम कायदे को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो फिर प्रशासन की भी यहाँ पर पूरी पुख्ता तैयारी मुझे दिखाई दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया, मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UAE दौरे पर रवाना होने वाले हैं। 13 और 14 फरवरी को पीएम मोदी UAE में ही रहने वाले हैं। साल 2015 से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 7वां UAE का दौरा है। भारत और UAE के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुबई में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और 14 तारीख को वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं और समिट के अंतिम दिन पीएम संबोधन भी होगा। इसके बाद UAE से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर के लिए रवाना हो जाएंगे। कतर के अमीर से उनकी मुलाकात होनी है और वहां पर वो द्विपक्षीय वार्ता भी करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री जब आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे तो उसका नाम एहलान मोदी रखा गया, यानी नमस्कार मोदी। तो बड़ा उत्सुकता भारतीय समुदाय को होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच में पाके। अबू धाबी में भव्य BAPA स्वामी नारायण हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को करने वाले हैं। अबू धाबी में UAE के सबसे बड़े मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। न्यूज 18 इंडिया पर भव्य मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। मंदिर के उद्घाटन के दिन करीब 2000 से 5000 श्रद्धालु के आने की संभावना है।